ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आज धरना जब आई सारे जितने बस है कैंसिल कर दी करते कर दी था तो सारे मजदूर 6 बजे से 3 बजे से बुलाकर किसी को जाने के लिए कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं आज नहीं। तो इतनी आपको क्या जरूरत पड़ी जो आपने हाईवे जाम किया? हाईवे जाम किए कि हम लोगों को रात को 9 बजे इन्फॉर्मेशन मिला कि कल ट्रेन जाएगी, आप लोगों को बस से लुधियाना छोड़ा जाएगा। हम लोग सुबह तड़के उठ के आ गए, उसके बाद मेडिकल होया, उसके बाद 2 बारी बस में बिठाया गया कि चलो भाई बस में बैठो, अब लुधियाना के लिए बस जाएगी। आधे घंटे बस में बिठाने के बाद कहते हैं अभी रुक जाओ, एक घंटे के बाद जाएगी। 1 घंटे बाद दोबारा बिठाया गया, उसके बाद कहते हैं अब ट्रेन कैंसिल। उसके बाद कहते हैं कि अब आपको ट्रेन कैंसिल हो गई है, अब यहाँ से कोई नहीं है, पैलेस के पास कोई नहीं आएगा। हम पंजाब पुलिस आई, बहुत अच्छा बिहेव किया उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे, आप हाईवे जाम नहीं करो। हम लोगों ने पंजाब पुलिस पे भरोसा करके रोड खाली कर दिता होया, जे 1-2 घंटे तक हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो हम अपनी पूरी टीम पूरी मजदूरों के साथ डीसी दफ्तर जाएंगे, डीसी का घेराव करेंगे। आगे मेरा नाम महेश वर्मा है जी। दो दिन हो गए जी इन्हों सड़क जाम कर दिया, की चक्कर की? देखो जी अमृतसर तो ना कोई ट्रेन नहीं चल रही, ज्यादा कारण है कि प्रवासी मजदूरों की। हाँ जी कल भी प्रोटेस्ट किया गया, अज भी सड़क जाम की गई जी। बिल्कुल इतने अमृतसर के जोड़ा प्रवासी मजदूरों की जी संख्या 2-2.5 लाख तो उपर की है, तो जी ऑनलाइन जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाई है तो हम ना तो अमृतसर तो कोई बस चल रही है तो ना कोई ट्रेन चल रही है। कारण यह है कि जे कि 1000 बंदा भी ट्रेन रोज़ भेजे तो मतलब 65,000 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है, 3 महीने बाद वारी आती है तो जैसे करके लोगों के रोष है क्योंकि 3 महीने लोग राशन कितों खाएंगे, क्योंकि पंजाब सरकार वालों अजे भी इन्ह तक इन्हों के घर तक कोई राशन नहीं भेजा गया। तो एक तो बेनती है कि सरकार इन्ह के घर तक राशन पहुँचाए तो एक जोड़ा इन्ह के पेंडिंग किराए ने वो भरे। दसनयोग है कि मौके ते पहुंची पुलिस दे वलों प्रवासी मजदूरां नूं समझाया गया ते रस्ते नूं खोलिया गया, जल्द ही उन्हां नूं घर भेजण दा आश्वासन दिता गया। हाईवे जाम कीता जी, की है जी? कोई गल नहीं, ओ इन्हां दी माड़ी जी ना मिस्टेक जी हो गई, इन्हां नूं बेचारियां नूं कोई गल नहीं, हुण ठीक है, सारा सही करता जी। राह खोलता जी सारा इन्हां नूं? हां जी हां जी खोलता खोलता जी। ए केड़ा हाईवे जाम कीता जी इन्हां नूं? ए अपना जिहड़ा कहवा मजीठा रोड तों ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਮ, ਉਹ ਖਲਾਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।